नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो बीएड और डीएलएड मामले में बेसिक में प्राथमिक में बीएड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इसको लेकर के बीएड और डीएलएड के अभ्यर्थी आमने सामने हैं, कोर्ट में लड़ाई लड़ी जा रही है। साथियों, कल कोर्ट ऑर्डर की जो भी प्रमुख बातें थी हमने आपको बता दी थी, सही और ऑथेंटिक निष्कर्ष एक बार आप यहाँ पर देख लीजिए। यूपी टेट पास बीएड डिग्री धारकों को पात्रता प्रमाण पत्र जारी करने पर रोक। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी टेट पास करने वाले बीएड डिग्री धारकों को पात्रता प्रमाण पत्र जारी करने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने मामले में राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को देखते हुए सरकार से जानकारी देने को बोला है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने प्रतीक मिश्रा व चार अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। कोर्ट नंबर 32 में कोर्ट में याचिका की ओर से अधिवक्ता तान्या पांडे ने कहा कि राजस्थान हाई कोर्ट ने एनसीटी के 28 जून 2018 के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें बीएड डिग्री धारकों को भी प्राथमिक स्कूलों में पढ़ाने के लिए पात्र माना गया है। साथियों, जो कोर्ट होता है, न्यायालय होता है, ये एक कह सकते हैं यूनिट की तरह काम करता है, जिससे अलग अलग स्टेट में अलग अलग सरकारें होती हैं, लेकिन कोर्ट जितने भी होते हैं पूरे देश के अपने, वो सभी एक यूनिट की तरह काम करते हैं और उनका जो एक शीर्ष होता है सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट होता है। तो ये यहाँ का आदेश दूसरे कोर्ट के आदेश को ये लोग उसको आधार बना सकते हैं और यही वजह है कि उस राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश को आधार बनाते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट की याचिका पढ़ सकती थी और डाली गई और उस मामले पर देखेंगे जवाब भी मांग लिया गया है। कहा गया कि जब नोटिफिकेशन ही रद्द कर दिया गया है तो बीएड डिग्री धारक प्राथमिक स्कूलों में पढ़ाने के पात्र ही नहीं रहे, लिहाजा टेट 2021 पास करने वाले बीएड डिग्री धारकों को प्रमाण पत्र जारी न किए जाए। साथियों, यहाँ पर बीएड डिग्री धारकों के प्रमाण पत्र जारी न किए जाए ये मांग की गई थी। कोर्ट ऑर्डर में लास्ट वाले लाइन में देखेंगे कहीं पर लिखा नहीं है बीएड, लेकिन जो कोर्ट ऑर्डर के अनुसार जो चीज़ें लग रही है कि वो बीएड के ही प्रमाण पत्रों पर रोक की मांग वहाँ पर है न्यायालय से, वो भी केवल अगले आदेश तक। कोर्ट ने तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए टेट 2021 में क्वालिफाई करने वाले बीएड डिग्री धारकों को प्रमाण पत्र अगली सुनवाई तक न जारी करने का आदेश दिया है। साथ ही परीक्षा नियामक प्राधिकारी से जानकारी देने को बोला गया है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 16 मई की तिथि तय की है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने रद्द की थी अधिसूचना 25 नवंबर 2021 के अपने आदेश में। कहा गया है कि बीएड डिग्री धारक पूर्व में प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक नियुक्त होने के लिए योग्य नहीं थे। बाद में एनसीटी ने 28 जून 2018 को अधिसूचना जारी कर कुछ योग्यता हासिल करने के बाद ब्रिज कोर्स का प्रावधान रखा और बीएड को भी प्राथमिक के लिए मान्य किया गया था और इस अधिसूचना को राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। राजस्थान हाईकोर्ट ने डिवीजन बेंच से उक्त अधिसूचना को गैर कानूनी करार देते हुए रद्द कर दिया। राजस्थान उसमें देखेंगे आप केंद्र की जो फैसला लेने की शक्ति है या फिर एनसीटी की जो अधिसूचना है उसमें कई तरह के, उसमें दो बिंदु भी दिए गए थे कोर्ट ऑर्डर में, हमने आपको पूरा एक्सप्लेन भी किया था। राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा कि बीएड डिग्री धारक कक्षा 1 से 5 तक के लिए प्राइमरी स्कूलों में सहायक अध्यापक नियुक्त होने के लिए योग्य नहीं है। राजस्थान हाई कोर्ट ने अधिसूचना अवैधानिक घोषित करते हुए कहा कि अधिसूचना केंद्र सरकार के शिक्षा का अधिकार अधिनियम धारा 23(2) के तहत अधिकार का उपयोग कर जारी नहीं की गई है। केंद्र सरकार को एनसीटी की ओर से निर्धारित योग्यता को शिथिल करने का अधिकार है। याचियों का कहना था कि टीईटी 2021 का परिणाम घोषित किया जा चुका है और अब प्रमाण पत्र जारी किए जाने हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने टीईटी का परिणाम जारी करने से पूर्व राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश पर विचार नहीं किया। राज्य सरकार के अधिवक्ता ने स्वीकार किया कि अधिसूचना रद्द की जा चुकी है। तो साथियों, अभी हमने आपको बताया कि कोर्ट जितने भी होते हैं वो एक यूनिट की तरह, यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट में राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को आधार बनाया जा सकता है या फिर किसी भी एक राज्य का जो कोर्ट का आदेश होता है विभिन्न राज्यों में उसको आधार बनाया जा सकता है। बाकी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो आदेश होते हैं वो ऑटोमेटिकली जो है सभी हाई कोर्ट में या फिर सभी राज्यों में लागू हो जाते हैं। यदि एनसीटी की ओर से कोई नई अधिसूचना जारी की जाएगी तो उस पर विचार किया जाएगा, सरकारी अधिवक्ता का कहना है। कोर्ट ने इस मुद्दे पर जानकारी मांगते हुए मामले पर सुनवाई के लिए 16 मई की तारीख लगाई है। साथ ही कहा है कि अगली सुनवाई तक कोई भी प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा। तो इसमें बीएड कहीं पर मेंशन नहीं है, लेकिन हो सकता है कि सभी के प्रमाण पत्रों पर भी रोक की यहाँ पर आदेश हो, यहाँ पर माननीय न्यायालय की तरफ से 16 मई तक के लिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर शिक्षक भर्ती में बीएड और डीएलएड प्रशिक्षु अब आमने सामने। भर्ती से बीएड को बाहर करने पर अड़े डीएलएड वाले, 2018 में बीएड को शिक्षक भर्ती में किया गया था मान्य।
प्राथमिक स्तर की टीईटी 2021 के प्रमाण पत्र जारी करने पर हाई कोर्ट की रोक एक आदत सरकारी नौकरी पाने की लड़ाई का परिणाम है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने 28 जून 2018 को बीएड डिग्री धारियों को प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए मान्य कर दिया था, जिसके बाद 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में हजारों बीएड डिग्रीधारी शिक्षक पद पर चयनित हो गए। या यूं कहिए आपकी ज्यादातर संख्या उनकी थी, आप देखेंगे लगभग 88-89 हजार, 1,40,000 में से लगभग इतनी संख्या बीएड की थी। उसी के बाद से डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड, आप देखेंगे उसके पहले भर्ती भी थी 68,500, वहाँ सीटें खाली रह गई थी। और 69,000 में अगर बीएड वाले शामिल नहीं रहे होते तो जितने भी डीएलएड के अभ्यर्थी थे सबका सिलेक्शन हो गया होता 90-97 वाले। तो ये तर्क है डीएलएड के अभ्यर्थियों का, और यही वजह है कि उनकी तरफ से ये बार बार मांग की जा रही है कि आने वाले शिक्षक भर्तियों में भी अगर बीएड शामिल होते तो कहीं ना कहीं डीएलएड के अभ्यर्थी बहुत कम नियुक्ति पा सकेंगे। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में बीएड डिग्री धारक बेरोजगारों की संख्या लगभग 12 लाख है और डीएलएड की जो संख्या है प्रशिक्षित बेरोजगार 6-7 लाख के आसपास। डीएलएड प्रशिक्षुओं का तर्क है कि बीएड का कोर्स माध्यमिक स्कूलों में शिक्षक भर्ती के लिए तैयार किया गया है, क्योंकि पहले उत्तर प्रदेश में डीएलएड बीटीसी प्रशिक्षुओं की पर्याप्त संख्या उपलब्ध नहीं थी, इसलिए बीएड डिग्री धारियों को 1 जनवरी 2012 तक प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक भर्ती के लिए छूट दी गई थी। और 72,825 शिक्षक भर्ती नोटिफिकेशन में आप सभी जानते हैं विवाद के कारण समय सीमा बीतने पर बीएड वालों को 31 मार्च 2014 तक नियुक्ति में छूट बढ़ानी पड़ी थी। उसके बाद बीएड वाले प्राथमिक स्कूलों की भर्ती से बाहर हो गए थे। फिर उसके बाद एनसीटी की अधिसूचना आती है जिसमें बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मान्य कर लिया, जिसके चलते डीएलएड करने वालों की शिक्षक भर्ती में चयन की संभावना कम हो गई। तो साथियों, सुपर टेट प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन का अता पता नहीं है। परिषदीय स्कूलों में बढ़ गए 30,000 विद्यार्थी, बच्चों का रुझान सरकारी विद्यालयों के प्रति चूंकि गार्जियन है वो बढ़ता जा रहा है। अच्छी बात है, अगर व्यवस्था सुधारी जाती है सरकार के द्वारा, शिक्षा का स्तर अगर सुधरता है तो। नामांकन बढ़ोतरी की दृष्टि से देखें तो प्रयागराज प्रदेश में 5वें स्थान पर है, पहले दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः वाराणसी, जौनपुर और भदोही है नामांकन के मामले में। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि सरकारी स्कूलों में संसाधन बढ़ाए जा रहे हैं, अध्यापन के स्तर में भी सुधार किया गया है, यही वजह है कि स्कूलों में नामांकन तेजी से बढ़ा है। अभी देखेंगे 12 या 15 मई से फिर से जो है अभियान, शायद 15 मई से शायद है कि फिर से अभियान चला करके नामांकन को बढ़ाया जाएगा। वर्तमान सत्र में स्कूल चलो अभियान सहित कई कार्यक्रम चलाए गए हैं, उसी का प्रभाव रहा कि 30,000 विद्यार्थी बढ़ गए। अब जिले के विद्यालयों में छात्र छात्राओं की संख्या 4,76,000 हो गई है। तो साथियों, इसी स्तर पर शिक्षकों की भी भर्ती की जानी चाहिए। अब आप देखेंगे कि प्री प्राइमरी बना दिया गया, यहाँ पर योग्य ट्रेंड शिक्षक होने चाहिए, लेकिन प्री प्राइमरी 1 और 2 तक जो है आंगनवाड़ी और शिक्षा मित्र वाले पढ़ाएंगे, केवल 3, 4 और 5 के लिए ही आने वाले समय में एनएपी 2020 को देखिए तो सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा या सहायक अध्यापक भर्ती होने के आसार हैं। एक न्यूज भी वायरल हुई थी जिसके अनुसार सुपर टेट भर्ती का विज्ञापन अगस्त के महीने में आ सकता है, और उसमें पदों की संख्या भी बता दी गई जो सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामे के रूप में बताया था। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने हलफनामे के रूप में बताया था 51,112। तो काश ये बात सच हो, लेकिन ये पूरी तरह से फर्जी भी हो सकता है, क्योंकि इसमें कोई भी आधिकारिक तथ्य नहीं है, किसी के द्वारा किया गया पोस्ट है। मैं किसी की पोस्ट का खंडन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसके पीछे का कोई ऑथेंटिक सोर्स होना चाहिए। तो ये कुल मिलाकर के साथियों, आप सभी के लिए इस वीडियो के माध्यम से महत्वपूर्ण सूचना थी। आगे की सही और ऑथेंटिक जानकारी पाने के लिए आप सभी हमारे चैनल से जरूर जुड़े रहें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। साथ में जिन साथियों ने अभी तक सब्सक्राइब न किया हो चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।